जिंदा हो गर जायका, मिला हो अक्षर ढाईका। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं इंसानी रिश्ते, और इंसानी रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं हमारे एहसास, और एहसासों को सही तरीके से पिरोना और परोसना, इसकी जरूरत महसूस तो सबको होती है, पर हर एक के पास ये हुनर नहीं होता। बात हुनर की ही है। दिल खोल के परोसने की हुनर की बात जब होती है तो हम भारतीयों के पास इसका एक प्रेम बाण है, मेहमान नवाजी का, हॉस्पिटैलिटी का। जी हाँ, जाहिर है खाना पकाकर खिलाना अपने एहसासों को परोसने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अरे महकते हुए खुशबू से लबालब शो वाकया टेस्ट है में, तो चलिए मिलते हैं हमारे उस सारथी से जो आज हमें एक नई रेसिपी की राह पर ले चलेंगे। बुलाते हैं शेफ जितेंद्र को। हेलो श्रद्धा, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन शेफ, हाउ आर यू? आई एम गुड एज वेल शेफ। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आज हम कुछ बहुत हेल्दी बनाने जा रहे हैं ना, है ना? हाँ जी। तो बताइए ना प्लीज, फर्स्ट सेगमेंट के बारे में आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज मैं आपको लेके चलूंगा ऐसी जगह पर जहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, और टेस्टी होने के साथ साथ वो बहुत काफी न्यूट्रिशनल भी है, टैंगी है, स्पाइसी है, और बहुत सारे ऑल द फ्लेवर्स इन आवर वन क्यूजीन। ओह माय गॉड शेफ, तो प्लीज अब व्यूअर्स को बता तो दीजिए कि हम बनाने क्या जा रहे हैं। आज मैं आपको लेके चलूंगा थाईलैंड में। हम लेंगे एक ऐसा इंग्रेडिएंट, कच्चा पपीता, और आज इसके साथ करेंगे कुछ मैजिक। जी, तो हम बना रहे हैं कच्चा पपीता का सैलेड, या इसको कहते हैं सोमताम सैलेड भी बोलते हैं, कच्चे पपीते की सलाद भी बोल देते हैं, रो पपाया सैलेड भी बोल देते हैं। क्या बात है, तो एक रेसिपी और बतेरे नाम। बिल्कुल मैम। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं शेफ। इसके लिए सबसे पहले लेंगे हम कच्चा पपीता, वो मैंने ग्रेट कर लिया है। आप इसको फाइन चॉप भी कर सकते हैं, कद्दूकस भी कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये हम यहाँ रख देते हैं शेफ। सबसे पहले हम लेंगे ये हमाम दस्ता। जी, तो शेफ सोम ताम सैलेड, राइट? इसका मतलब बताइए पहले। ताम का वर्ड का मतलब होता कूटना, जो इसका सबसे बेसिक जो स्टेप होगा, हम सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी कुटाई करेंगे, ताकि एक दूसरे का फ्लेवर आपस में इंडल्ज हो जाए और एक ऐसा अरोमा निकले कि आप बोलेंगे वाह क्या टेस्ट है। क्या बात है शेफ। तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे हम थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा सॉल्ट। अब इसकी अच्छी तरीके से कुटाई करनी है। ये जितना ज्यादा कुटेगा उतना ज्यादा अपने फ्लेवर छोड़ेगा। शेफ, जैसे मैं देख पा रही हूँ, ये सॉल्ट जो है ये नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, ये सी सॉल्ट है मैम। तो इसमें हमें सी सॉल्ट ही रिक्वायर्ड है? नहीं, अब इसमें नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, बट इसका एक अपना अलग से फ्लेवर है जो नेचुरल सॉल्ट का होता है। इसमें जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसका नेचुरल फ्लेवर से उठाता है ये। ओके, एनहांस करता है। एनहांस करता है, बिल्कुल, डेफिनेटली। अब लेंगे हम थोड़ी सी चिलीज, ये हमारे पास छोटे छोटे टमेटोज हैं, इनके कर लेते हैं 1:2, ये भी सारा इसमें। ओ, तो टमाटर भी कितने वाले हैं? यस। अब लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल, इसमें डालते हैं हम ये कद्दूकस किया हुआ कच्चा पपीता,
ये जो सैलेड बनेगी ना, आप इसे पहचान नहीं पाएंगे कि कच्चा पपीता है। अब इसके लिए लेते हैं थोड़ी सी पाम शुगर, आप गुड़ भी ले सकते हैं, ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, बट याद रखिए कि नॉर्मल चीनी नहीं लेनी, उसमें कोई अपना वो केवल कार्ब्स रहते हैं, कोई अपना एक फ्लेवर नहीं होता। थोड़ी सी पाम शुगर, साथ ही साथ इसमें डालेंगे ढेर सारा लेमन जूस। थोड़ा सा टैमरिंड पल्प, इसको और भी ज़्यादा टैंगी बनाने के लिए इसमें यूज़ करेंगे हम स्वीट चिली सॉस। ये रेडली मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे चाहे घर पे भी बना सकते हैं। थोड़े से गुड़ के साथ आप जो सूखी लाल मिर्चें होती हैं उनको अच्छी तरीके से भून के उसके अंदर कुक कर लें। अब डालते हैं इसमें कलर्स, इसके लिए लेंगे हम थोड़ी सी फाइनली चॉप्ड स्प्रिंग अनियंस, थोड़े से कैरेट के जूलियन, थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स और येलो पेपर्स। काफी कलरफुल सैलेड बनने वाला है ये शेफ। तो फाइनल टच देंगे हम रोस्टेड पीनट से, थोड़ा सा मैंने इसको ग्राउंड कर लिया है, थोड़ा सा दरदरा रखा है ताकि क्रंचीनेस का फैक्टर आपके मुंह में। जी। ये लीजिए सैलेड रेडी है, अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। के प्लेटिंग करने के लिए लेते हैं हम थोड़ा सा सैलेड लीफ, इसको लगाते हैं यहाँ पर। थाई क्यूजिन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वहाँ की थाई कार्विंग, वो जो भी कुछ खाना बनाते हैं उसको बड़े प्यार से सजाने में ज़्यादा वो रखते हैं, तो मैं भी इसका कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। तो सजाने के लिए लूँगा मैं गाजर, इसकी पतली सी ये काट ली राउंडल्स, Wow, chef! This is creativity. Yeah, definitely. And Thai people are very creative in food. They do creativity in mixing all the flavors, color, texture. Wow, this is beautiful, chef. एक चीज की और कमी है अभी इसमें। ये लेते हैं spring onion. तो शेफ अब और भी कुछ डेकोरेट करना बाकी है? हाँ बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा कलर का एनहांसमेंट दूंगा मैं, वो कुकुम्बर दे दीजिएगा आप मुझे? जी बिल्कुल शेफ, देयर यू गो। ये जो सैलेड हमने बनाया है शेफ, व्हिच आई हैव हर्ड कि थाईलैंड के लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं खाना, वो अपने हर मील में इस सैलेड को रखते हैं, चाहे वो लंच हो, ब्रंच हो, डिनर हो या नॉर्मल हाई टी, ये सैलेड आपको उनके हर मील में मिलेगा। इसकी थोड़ी सी और सजावट करते हैं। तो लीजिए रेडी है आपकी रो पपाया सैलेड। वाओ शेफ, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में बोलने की कुछ जरूरत ही नहीं है, because this is looking so beautiful. ये सैलेड बिल्कुल ट्रेडिशनल है, थोड़ा सा फेरबदल किया है बट टेस्टी है। इसके लिए आपको थाई जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे बनाइए, बट वहाँ खाएंगे उसका अपना मजा है, घर पे खाएंगे अपना उसका अलग मजा है। जी बिल्कुल सही बात है, तो चलिए थाईलैंड नहीं जाते हैं, हमारे द अशोक की किचन में ही इसे टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसा बना है।
Wow. Wow, chef. This is amazing. I must say. तो मैं तो इसे खा रही हूँ. आप लोग जल्दी से लीजिए एक क्विक रीकैप और वापस आइए, क्योंकि शेफ ने बताया मुझे अभी कि एक सरप्राइज है. क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है. तो श्रद्धा जी आप इसे खाते रहिए और व्यूवर्स आप लीजिए इसका क्विक रीकैप और अभी कहीं जाना मत, एक सरप्राइज बाकी आप लोगों के लिए. सॉम टॉम सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले गार्लिक, सॉल्ट, चिलीज और चेरी टमेटोस को अच्छे से पीस लें. अब एक बोल में कसा हुआ कच्चा पपीता लें और उसमें ये पिसा हुआ मिक्सचर डाल दें. थोड़ा पाम शुगर, लेमन जूस, टैमरिंड पल्प, स्वीट चिली सॉस, स्प्रिंग अनियन, कैरेट, बीन्स, येलो बेल पेपर, रोस्टेड पीनट्स डाल के मिक्स करें. हमारा सैलड तैयार है, उसे सजा कर परोस दें. क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है. तो भाई मुझे तो सॉम टॉम सैलेड बहुत ही पसंद आया है एंड आई एम श्योर आप सभी को पसंद आया होगा. भाई आखिर घर पे बैठे थाईलैंड बिना जाए वहां की रेसिपी, वहां का सैलेड जो बनाया जा सकता है. तो रेसिपी आपने ढंग से प्रोसेस जो है नोट डाउन कर लिया होगा आई एम श्योर. तो चलिए चलते हैं, आप पूछते हैं हमारे शेफ से. जैसा कि उन्होंने कहा था कि वापस आइए, एक सरप्राइज बाकी है. तो शेफ प्लीज बताइए क्या सरप्राइज है. सरप्राइज है मैम एक और सैलेड, क्योंकि हमारा स्पेशल एपिसोड है सैलेड ही सैलेड. तो एक और बनाएंगे हम सैलेड जो काफी हेल्दी और न्यूट्रिशियस होगा इस सीजन के हिसाब से, द विंटर सीजन. क्या बात है शेफ, तो यानी फर्स्ट सेगमेंट में दो दो सैलेड. बिल्कुल, और इस सैलेड का नाम ही है द विंटर सैलेड. द विंटर सैलेड, क्या बात है शेफ. तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं. तो बनाते हैं विंटर सैलेड. इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए फ्रूट एंड वेजिटेबल का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसे आप खाते ही बोलेंगे वाह क्या टेस्ट है. क्या बात है. सबसे पहले लेंगे हम एप्पल, इसको काट लेंगे हम डाइसेस में. अब लेंगे थोड़ा सा पानी, इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस ताकि सेब काला ना पड़े, बड़ी जल्दी ये रिएक्ट कर जाता है. तो पानी में अगर हम नींबू डाल के सेब डाल देंगे तो वो काला नहीं पड़ेगा. सो व्यूअर्स देयर यू गो, टिप ऑफ द डे. अगर आप पानी में नींबू डाल देंगे और उसमें सेब रख देंगे तो सेब काला नहीं पड़ेगा. सेब इसके अंदर. अब बनाते हैं इसकी ड्रेसिंग. सैलेड का सबसे मेन पार्ट होता है उसकी ड्रेसिंग, व्हिच कंबाइन ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन अ वन प्रोपोर्शन. सबसे पहले लेंगे हम मेयोनेज. मेयोनेज बनती है एग योक्स और ऑयल के इमल्शन से, बट ये आजकल रेडीली मार्केट में अवेलेबल है. इसमें एगलेस का भी ऑप्शन आपको अब मिलने लगा है. साथ ही लेंगे इक्वल क्वांटिटी ऑफ हंकर्ड. दही को एक मसलिंग क्लॉथ में हमने थोड़ी देर टांग के रखा तो उसका जो सारा वाटर कंटेंट है वो ड्रेन आउट हो गया और ये थिक कंसिस्टेंसी हमें मिल गई. इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स करेंगे. सर शेफ हमें विंटर सैलेड के बारे में पहले कुछ प्लीज बताइए. विंटर सैलेड कोई वैसी रेसिपी नहीं है, ये जस्ट एक इनोवेशन है. इसमें मैंने सारे यूज़ किए हैं विंटर वेजिटेबल्स जो विंटर्स में अवेलेबल होते हैं और विंटर वाले फ्रूट्स लाइक वॉलनट्स, ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट हो गए, फ्रेश फ्रूट्स एप्पल हो गया. इनकी तासीर गर्म रहती है तो इसीलिए सैलेड का आपने नाम रखा है विंटर सैलेड. बिल्कुल, इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल. अच्छे से मिक्स करना है. अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा क्रश पेपर. थोड़ा सा सॉल्ट. और आज का हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये सिनेमन पाउडर दालचीनी. इसका सेब के साथ इतना जबरदस्त कनेक्शन है, इट्स लाइक अ मैरिज मेड इन हेवन. ये डाल दी हमने दालचीनी. ड्रेसिंग हमारी रेडी है. अब करते हैं मिक्सिंग. लेंगे एक बड़ा बोल, इसमें लेंगे हम ब्रोकली. ये मैंने पहले से ब्लांच करी हुई है
ब्लांचिंग करना एक वेरी इजी प्रोसेस है। पहले आप पानी चढ़ा लें, उसमें जब बॉयल आ जाए तो उसमें आपके छोटे पीसेस जो ब्रोकली के कटे करे हुए हैं वो उसमें डाल दीजिए। जैसे ही फर्स्ट उबाला आए उसको ड्रेन आउट कर लीजिए और एक तुरंत चिलिंग वाटर में आप उसको शिफ्ट कर दीजिए। उससे उसका क्रंचीनेस बरकरार रहेगा, साथ ही साथ जो उसका ग्रीन कलर है वो एकदम उठ के आएगा जी, तो वो एकदम फ्रेश निकलेगा। तो इसमें लेते हैं थोड़ी सी ब्रोकली और ये जो सेब जो हमने काटे थे सेब, ये इसके अंदर। थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स जस्ट टू गिव अ कंट्रास्ट टेस्ट एंड आई अपील ऑफ कलर। थोड़े से क्रैनबेरीज, ग्रेट राइट क्रैनबेरी हैं, फालसे भी बोलते हैं इनको हिंदी में। डालते हैं इसमें थोड़े वॉलनट्स, टू गिव द एक्स्ट्रा क्रंच टू द सैलेड। और वॉलनट्स का अपना अलग से एक न्यूट्रिशन वैल्यू है जो विंटर्स में बॉडी को काफ़ी न्यूट्रिशन देता है और हीटर अप रखता है। ड्रेसिंग मिक्स, अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कलर क्योंकि रंग ज़रूरी है। सैलड्स बहुत ज्यादा फ्रेश लगते हैं अगर उसमें बेल पेपर्स, व्हेन यू गेट लॉट ऑफ कलर्स इन इट, लॉट ऑफ फ्लेवर्स इन इट एंड लॉट ऑफ टेक्सचर्स इन इट। जी अब सैलड बिना हरियाली के सुना सुना लगता है। तो इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सैलड लीफ, ये मेरे पास रॉकेट लेटस है। ये ध्यान रखिए कि कोई भी आपकी हरी पत्तियों वाला जो लेटस है या स्पिनच है उसको कोशिश करिए हाथ से तोड़ने की, क्योंकि जब ये नाइफ के कॉन्टेक्ट में आएगा आयरन के तो वो काला पड़ने लगता है। ओके। थोड़ा सा बेजिल, ये भी ऐसे हाथ से तोड़ के इसके अंदर। सैलेड रेडी है, देखने में तो बहुत ही बेहतरीन लग रही है, खाने में भी उतना लजीज होगा मैम। अब इसकी करेंगे गार्निश। गार्निश के लिए लेंगे हम रेडिश, ये हमारे पास थोड़े से डिल लीव्स हैं, सोए के पत्ते, इसका एक अच्छा सा बंच बिल्कुल ऊपर। तो लीजिए, रेडी है आपकी विंटर सैलेड। क्या बात है, लाइए सर। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो वेरी मच। तो चलिए अब करते हैं इसको टेस्ट। दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल शेफ। तो चलिए अब इसे खाते हैं। ये तो वैसे ही बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्ट कर रहा है। इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी काफी हाई है शेफ, डेफिनेटली। एंड आई कैन सी जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं और हेल्दी, सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स। बिल्कुल बिल्कुल। अमेजिंग, यू वर राइट। सिनेमन का फ्लेवर बहुत ही पिक्यूलियर और बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें। एंड आई'd से एक क्रीमी टेक्सचर जो आ रहा है दैट इज डिलीशियस, वेरी टेस्टी। एंड शेफ इसको खा के मेरा मन कर रहा है कि मैं बोलूं वाह वाह, क्या टेस्ट, क्या टेस्ट है। तो चलिए व्यूअर्स, आप जल्दी से देखिए इसका क्विक रीकैप और जल्दी आ जाइए वापस। ब्रोकली एंड एप्पल विंटर सैलेड बनाने के लिए एक बोल में मेयोनीज ऐड करें, उसमें हंकर्ड, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करें, फिर उसमें डालें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, दालचीनी पाउडर, सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करें। अब एक बोल में डालें बॉइल्ड ब्रोकली, चॉप्ड एप्पल, ब्लैक ऑलिव, ड्राइड क्रैनबेरीज, वॉलनट्स, प्रिपेयर की हुई ड्रेसिंग, येलो बेल पेपर, सैलड लीव्स और बेसिल लीव्स। अब सैलड को अच्छी तरह मिक्स करें और विंटर सैलड रेडी है। टेस्ट है, वाह
क्या टेस्ट है। सो फ्रेंड्स, अब वक्त हो चुका है हमारी नेक्स्ट सेगमेंट यानी दादी माँ की रेसिपी का। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारे शेफ कौन सी ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो हमारी दादी माँ या नानी माँ बनाया करती थी। वाह, क्या टेस्ट है। हल्की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है। वाह, क्या टेस्ट है। वाह, क्या टेस्ट है। वेलकम व्यूअर्स टू द ग्रैंडमा सेगमेंट। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कुछ डिफरेंट। इसका नाम है मटर की खीर। जैसे ग्रैंडमा ने हमें कई तरह के खाना पकवान डेजर्ट्स हमें खिलाए हैं, आज मैं ग्रैंडमा को कुछ अलग बना के खिलाऊंगा। क्यों ग्रैंडमा, आज हम खाएं कुछ? चलिए आज हम पेश करते हैं मटर की खीर। इसके लिए जो चाहिए, दरदरा सा पिसा हुआ मटर, किशमिश, काजू, इलायची पाउडर, चीनी, दूध, बारीक कटा हुआ आलमंड्स, थोड़ा घी और सैफरन। चलिए हम शुरू करते हैं खीर बनाने की। क्या टेस्ट है। वाह, क्या टेस्ट है। पहले हम शुरू करते हैं घी से। जैसे ही ये मेल्ट हो जाए, हम डालेंगे दरदरा सा पिसा हुआ मटर, क्यों दादी माँ? आप हमें बचपन में कई चीजें बना के खिलाते थे, आज हमें आपको मटर की खीर खिलाऊंगा। आप भी सोच रहे होंगे ना कि लड़का क्या खिला रहा है ना? जैसे ही मटर थोड़ा भुन जाए, आप इसमें ऐड कीजिए दूध। मटर और दूध हमें तब तक पकाना है जब तक मटर गल ना जाए और दूध अच्छी तरह गाढ़ा ना हो जाए। अब इसमें थोड़ा कलर चेंज हो रहा है, मटर का वो हरापन दूध के साथ मिल रहा है और दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। अब इसमें ऐड करेंगे हम चीनी। आप स्वाद अनुसार चीनी डाल सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से। मैं इसमें डालूंगा 5 स्पून चीनी। चीनी तभी डालिए जब दूध गाढ़ा हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। इसका रंग भी इसमें आ चुका है, मिल चुका है। जैसे आप देख रहे हैं दूध में उबाल आ चुकी है और दूध गाढ़ा आ चुका है। हमारी खीर बस थोड़ी दूर और ये तैयार हो जाएगी। इससे पहले अब हम शुरू करते हैं काजू और किशमिश रोस्ट करने के लिए। जैसे ही पैन गरम हो जाए, हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा घी। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए, डालिए थोड़ा काजू। किशमिश और थोड़ा पिस्ता। इसमें ब्राउन कलर आ चुका है। जैसे ही इसमें ब्राउन कलर आ जाए, हम इसको खीर में शिफ्ट करते हैं। बस दादी माँ, रेडी हो गया, हमारी खीर तैयार है। अब हम इसको प्लेट करते हैं। हम इसको गार्निश करेंगे बारीक कटा हुआ आलमंड से और चुटकी भर सैफरन। अब थोड़ा कलर के लिए थोड़ा पिस्ता भी ऊपर से डाल सकते हैं। ये लीजिए, हमारा खीर तैयार है। अब हम जाते हैं दादी माँ के साथ और हम इसको चख के आते हैं।
अब तो दादी माँ पक्का कहेगी वाह क्या टेस्ट है। बाय द टाइम आप रिकैप देखिए। मटर की खीर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में घी, पिसा हुआ मटर डाल के भून ले। अब दूध ऐड करें और अच्छे से पकाएं। फिर चीनी, इलायची पाउडर डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं। अब एक पैन में थोड़ा घी डालकर उसमें काजू, किशमिश, पिस्ता डाल के रोस्ट करें और इसको खीर में डाल दें। हमारी मटर की खीर तैयार है। गार्निश करें बारीक कटा हुआ आमंड, केसर और गर्मा गर्म परोस दें। क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है। आज हमने बात करी रिश्तों की, एहसासों की। वेल, आप सभी व्यूअर्स के साथ हमारी डोर भी कुछ इस तरह बंधी है कि हर एपिसोड के साथ साथ वो और मजबूत होती जा रही है। दोस्तों, प्लीज अपने व्यूज, फीडबैक और सजेशन हमें भेजना मत भूलिएगा। हमारा ईमेल आईडी है wahkyataste@gmail.com। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप अपने रिश्तों का रखिए सही से ख्याल और उन्हें बनाइए खूब खास। नमस्कार। वाह क्या टेस्ट है।